हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। आज हम चने का निमोना बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। आइए चलते हैं। ये ग्रीन चना है, इसको हम छीलेंगे। उसके बाद छिलके हम इसको मिक्सी में पीसेंगे। पीस के इसका हम बहुत ही टेस्टी निमोना बनाएंगे। यह है चना, छिल लिए हैं। इसके लिए जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, लहसुन, 5 से 7 हरी मिर्च, बड़ी इलायची 1, छोटी इलायची 3-4 और 1 अदरक का टुकड़ा 1 इंच का। सबको हम एक मिक्सी जार में रखेंगे। ढेर सारा धनिया पत्ता, चना 1 कटोरी हम यहाँ पे चना लिए हैं। सभी को हम दरदरा पीस लेंगे। यहाँ पे हम दरदरा पीस लिए हैं इस तरह से। बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। निमोने में हम आलू डालेंगे। 3 से 4 आलू हम धुल के कट करके पानी में रख दिए हैं पहले से ही, ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। इसको हम फ्राई करेंगे। अब 1 कढ़ाई रखते हैं गैस की फ्लेम पे। 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पे सरसों का तेल डालेंगे। आलू को हम फ्राई करेंगे। आलू में फ्राई हो गया है, इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे हम जीरा तड़के में, तेज़पत्ता 3 से 4 डाले हैं। 2 बड़े साइज का प्याज हम कट करके यहाँ पे रखे थे बारीक, उसको डाले हैं। प्याज को हम अच्छे से भुनेंगे यहाँ पे जब तक ये सुनहरा ना हो जाए। इस तरह से प्याज हमारा भुन गया है। यहाँ पे हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 पिंच हींग, ये स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच सब्जी मसाला, 1 चम्मच हाफ चम्मच यहाँ हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। कलर के लिए तीखा नहीं है ये। 2 बड़े साइज का टमाटर कट करके हमने यहाँ पर डाला है। टमाटर हमारा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसमें चने का मिश्रण डालेंगे जो हमने पीस के रखा था। हमको इसमें इसको भूनना है 5 मिनट तक। हमको इसी तरह से चलाते हुए भूनना है। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखे हैं। इस तरह से भूनते भूनते ये कलर चेंज कर देगा, कढ़ाई भी छोड़ देगा। पाँच से सात मिनट हम को हो गया इसको भूनते हुए। इसमें हम पानी डालेंगे। अब पहले आलू को डालेंगे। आलू को डालने के बाद थोड़ा सा हम इसको चला देंगे अच्छे से। उसके बाद हम पानी डालेंगे। पानी हमको उतना ही डालना है जितनी पतली ग्रेवी आप पसंद करते हो। ये गाढ़ी हो जाती है इसलिए पानी हम थोड़ा सा और डालेंगे इसमें, ताकि पकने के बाद अच्छी ग्रेवी तैयार हो। उसके बाद हमको 4 से 5 मिनट तक हमको पकाना है मीडियम फ्लेम पे ही। इस तरह से आप चलाते रहिए, नीचे पकड़ता है।
धनिया पत्ता कट करके डाल देंगे। हमने उतार लिया है गैस की फ्लेम बंद करके। यहाँ हम तड़का लगाएंगे घी से, एक चम्मच घी लिए हैं। थोड़ा सा जीरा लिए हैं, 3 से 4 लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च हम लिए हैं यहाँ पे। सभी को हम इसमें जला लेंगे, उसके बाद तड़का लगाएंगे, जिसका इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है ये। इस मौसम में चना मिल रहा है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनके तैयार होती है।